हम शरीफ लोग हैं, यहाँ तमाशा करने की जरूरत नहीं है। तो मैं कोई गुंडा थोड़ी हूँ अंकल, मैं भी शरीफ आदमी हूँ। और इतनी देर में आपको इस बात का अंदाजा तो हो गया होगा कि तमाशे से मुझे फर्क नहीं पड़ता लेकिन आपको जरूर पड़ता है। कमाल है, ना जाना पहचाना फिर भी तुम्हारे पीछे यहाँ तक आ गए। मुझे अपनी बेटी पे पूरा भरोसा है अंजलि। खाना वाना खाया करो यार, जिम जाया करो। आपको मुझ पे भरोसा है? अरे हाँ भरोसा है, लेकिन जैसा भरोसा लेकर जा रहे हैं वैसा ही वापस लेकर आऊंगी। ये कैसी तेरी खुदगर्ज़ी। डर लगता है मुझे आपसे। अच्छे नहीं लगते आप मुझे। आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरा पीछा छोड़ दे। आपने मजबूर किया इसलिए मैं चली आई। मेरे माँ बाबा परेशान हो रहे होंगे, प्लीज मेरा पीछा ना कीजिएगा। बंद करो ये सब, तुम्हारे बाप की शादी हो रही है। चलेगी मेरी बच्ची? क्या कह रहे हैं पुलिस वाले, कब तक आएगी महक, कब तक पता चलेगा उसका? भाई देखी सवाल कितनी बार करोगे, पुलिस वाले यही कह रहे हैं कि ढूंढ रहे हैं। आपको इस तरह जाने ही नहीं देना चाहिए था उसे। बाबा कहाँ थी बेटा, क्या हुआ? क्या तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ, इतनी देर क्यों हो गई? आपका भरोसा जैसा लेके गई थी वैसे ही वापस लेकर आई। तुम फिक्र ना करो मेरा बच्चा, मैंने पुलिस में रिपोर्ट कर दी है, अब इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। जी बाबा अब सब ठीक हो जाएगा। सब मेरी वजह से, ये मेरा किया भुगत रही है। ना मुझे उस दिन गुस्सा आया होता, ना मैं गाड़ी से उतरा होता, ना उस बदमाश की नजर मेरी बेटी पे पड़ी होती, ये सब कुछ मेरी वजह से। नहीं बाबा, इसमें आपका कोई कसूर नहीं, ये सब मेरी किस्मत में लिखा। नहीं बेटा, ये किस्मत में कैसे हो सकता है कि एक बदमाश तुम्हें तंग करे, परेशान कर दे हम सबको। मेरा बेटा बस यूं समझ जैसे एक बुरा ख्वाब होता है ना, कि रात खत्म होती है ख्वाब भी खत्म हो जाता है, इसी तरह ये बुरा वक्त है, ये भी गुजर जाएगा बेटा। जी बाबा गुजर जाएगा। Thank you.
अजमल भाई लगते तो बड़े शरीफ लोग ही हैं। मियां कहां की शराफत, बेटियां अमीरजादों से चक्कर चला रही हैं, और फिर इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। चल बाबा, बाबा चल ना। कहां लेकर जा बाबा? कहां लेकर जा रहे मेरे बाबा? बाबा अरे इनको ब्लड प्रेशर की बीमारी, इन्हें छोड़ दे। सर मसला क्या है, क्यों लेके जा रहे हैं बताएं तो सही। सूट क्या है मेरे बाबा का बताएं तो सही, किया क्या उन्होंने? थाने आ जाओ, पता चल जाएगा कि क्या कसूर किया तुम्हारे बाबा। चलो अरे हमारी बात तो सुने पापा। अंदर जाओ तुम लोग, लेके जाओ अंदर इनको बेटा, जाओ अंदर। मारा अंदर चलो, चलो अंदर चलो। अरे फिक्र ना करें राजा साहब, काम आपका हो जाएगा। थाना भी आपका, अदालत भी आपकी, और इंस्पेक्टर चद्दर वो तो है ही आपका। डोंट वरी, अब आपके है ना, फिक्र नहीं करें, रखता हूं। सर सर प्लीज मेरी बात सुने, हम कब से यहाँ बैठे हुए हैं, मैं कुछ तो बताएं, मेरे बाबा को आपने क्यों बंद किया हुआ है? बेबी बताया ना, जो सवाल जवाब करने हैं वो कल करना, चालान सुबह अदालत में पहुंच जाएगा। सर कम से कम ये तो बताएं, किस शिकायत के बिना पर आप यहां लेकर आए? मतलब कोई कसूर तो किया होगा ना? गबन का इल्जाम। गबन? गबन क्या? हाँ गबन। किसका गबन सर? देखिए आपको कोई जरूर गलत फहमी हो रही है। बेटा तू तो यहां से अब छुट्टी कर, वरना तेरी सारी गलत फहमियां निकाल दूंगा। सर प्लीज। प्रवेश जी। आया साहब जी, निकालो इनको बाहर, आउट। अरे बाहर आ जाओ, आपका टाइम बर्बाद कर रहे हो सर। चुप, निकलो यहां से, आउट आउट। चलो आ जाओ। चल बेटा, मेरा ख्याल है कि यहां रुकना तो बेकार ही है। वकील से मिलते हैं, वही इनसे बात करेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। चले बेटा, यहां ज्यादा देर रुकना तो वैसे भी ठीक नहीं है, तुम चलो। मुलाकात की इजाजत नहीं है, जाओ यहां से, जाओ वे। चलो बेटा, इंशाल्लाह सब जल्दी ठीक हो जाएगा।
आपी, पापा आ गए क्या? अभी कैसे आ सकती? आपने तो कहा था कि सुबह अप्लाई करेगा वकील जमानत के लिए। सुबह आ जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि सुबह भी आएंगे। क्यों? ऐसा क्यों कह रही हो? जब बाबा को पुलिस लेके जा रही थी तो वो भी वहां मौजूद था। अभी मुझे लगता है कि वो जानबूझ के ये सब कुछ कर रहे हैं। बहुत ताकतवर है वो। हम या वकील कुछ नहीं कर सकते उसको। नहीं, वो एहसन कह रहा था कि उसने बहुत अच्छा वकील कराया है। कल तक बाबा को बेल हो जाएगी। भरोसा है सिंह भाई की बात पे? आप ही मुझे एक बात बताएं, कहीं आपने उसको ऐसा तो कुछ नहीं बोला था जिसकी वजह से वो ये सब कुछ कर रहा है? बाबा को घर से पेर शख्स वापस ला सकते हैं। और वो आप जानती हैं कि कैसे। वैसे क्या जरूरत थी उसके बाप को अंदर करवाने की? सुबह तक तो छूट ही जाएगा वो। ऐसा जो कह रहा था कि काफी शरीफ आदमी है, और साथ में ये भी बता रहा था कि उसने एक दो झूठे गवाह अरेंज कर दिए कोर्ट में प्रेजेंट करने के लिए, पर केस फिर भी बहुत कमजोर है। तुम्हें पता है हमारे घर में बहुत सारे कुत्ते हैं, लेकिन उन कुत्तों ने आज तक किसी को काटा नहीं। उनका एक खौफ है जिसकी वजह से कोई भी शख्स हमारे घर की तरफ आंख उठाते नहीं दिखता। क्या मतलब? मुझे तुम्हारी फिलॉसफी समझ नहीं आई। मतलब यह है कि मैं उससे प्यार करता हूं और वो मुझसे डरती है। अब डरती है तो डर के साथ ही सही, मैं उसके पास कोई चॉइस छोड़ना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि वो और उसके घर वाले मेरे आगे इतना मजबूर हो जाए, मेरे अलावा उनके पास कोई ऑप्शन ही ना बचे। एक बात बताओ, किसी को डरा धमकाकर खुद से मोहब्बत करने पे कैसे मजबूर कर सकते हो? मैं सिर्फ ये जानता हूं कि मैं उससे मोहब्बत करता हूं और वो मुझे चाहिए, और जो भी चीज मुझे चाहिए होती है ना, वो मुझे ऐसे ही हासिल करना होती है। मैंने कहा था ना, मैं कोई ऑप्शन नहीं छोड़ना चाहता उसके पास। चलो भाई, तुम्हारी भाभी की कॉल आ रही है, तुम जाओ। ओके, मिलते हैं फिर। हेलो शमशेर, फिर से कहो। वो मेरे पापा पुलिस के पास है, आपने रेस कराया हमें, हार्ट पेशेंट है, उनके पास उनकी दवाइयां भी नहीं है, आप प्लीज किसी तरह उन्हें छुड़वा दें। नहीं, ये नहीं जो तुम पहले कह रही थी। बाबा ने, बाबा नहीं, मेरा नाम लो। नाम? हाँ, मेरा नाम शमशेर। फिर से कहो। देखिए, मैंने आपका बताना क्या? अगर तुमने मेरे नाम के अलावा इस वक्त कुछ भी बोला तो तुम्हारा बाप सारी उम्र जेल में सड़ता रहेगा। मेरा नाम लो। एक बार फिर से,
थोड़ा प्यार से बोल। सुबह होने से पहले तुम्हारे बाबा घर पहुंच जाएंगे। बैठो इधर। तुम अदालत में कल यही कहोगे कि तुमने इम्तियाज से 20 लाख लिए और वक्त पे वापस नहीं किए। सर मैं नहीं जानता किसी इम्तियाज को और ना ही मैंने किसी से 20 लाख रुपए लिए। सर तुम वही कहोगे जो मैंने तुमसे कहा। सर ये सर क्यों कर रहे हैं आप ये? मैं किस दार आदमी हूं सर? मैं बच्चों को पढ़ाता हूं सर, मैं उस्ताद हूं। परवेश जी साहब जी, गुच्छे बर्फ की सिल मंगवाओ और डंडे को तेल लगवाओ। नहीं नहीं सर, इसकी शराफत निकालते हैं। मैं ऐसा आदमी नहीं हूं सर, प्लीज सर आप मेरी बात को। बैठो इधर। अरे भाई प्लीज, मैं जी जी कल अदालत में वही कहेगा जो आप कहेंगे। छोड़ दो सर। क्या मतलब सर? FIR कटी तो कोई बात नहीं, फाड़ दो FIR। प्लीज मुझे, मैं कुछ नहीं। पड़ जाएगी FIR से। मेरी बात कराओ जरा। हाँ करवाता हूँ। छोड़ दो इसे, छोड़ दो। बात करो। रंगल कमाल करते, आपने बताया नहीं आपको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। फिर मैंने इनसे कह दिया आपको घर तक बाइज्जत छोड़ के आएंगे। आइंदा भी कोई मसला हो ना तो मुझसे डिस्कस कर लिया करें। चलिए अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। अरे लॉटरी लग गई है आपकी। मैं सर छोटे साहब का आपकी लड़की पे दिल आ गया है। चल छोड़ के आते हैं आपको इज्जत के साथ। गुलशेर जी साहब जी, गाड़ी निकलवाओ। Yeah।
लगते तो बड़े शरीफ लोग ही। मियां कहां की शराफत, बेटियां अमीर दादों से चक्कर चला रही हैं, और फिर इस तरह तो होता है। और इतनी देर में आपको इस बात का अंदाजा तो हो गया होगा कि तमाशे से मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको जरूर पड़ता है। छोटे साहब का आपकी लड़की पे दिल आ गया। आपने बताया नहीं आपको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, परमानेंट से कह दिया आपको घर तक बाइज्जत छोड़ के आएंगे। सबसे बड़ा कसूर यह है कि मैं मिडिल क्लास का एक बहुत छोटा सा मामूली सा आदमी हूं। मेरा कसूर यह है कि मैं बेटियों का बाप हूं। मेरा कसूर यह है कि मैं उस्ताद हूं, बच्चों को पढ़ाता हूं। सबसे बड़ा कसूर मैं हूं जिसने बेटियां पैदा की है। और इस चीज की तुम्हें बिल्कुल इजाजत नहीं मिलेगी कि तुम हमारे खून में गंदे खून की मिलावट करो। तुम्हारी शादी वही होगी यहाँ हम सब जाए। शादी तो मेरी मैक से ही हो। देखता हूँ मुझे बाबा। हाँ बोलो बाबा। वो आया ये कैसी तेरी गुदगर्जी। अकरम। हाँ हाँ क्या हुआ, कोई आया? नहीं कोई भी नहीं। तबीयत ठीक है आपकी? बाहर बाहर देखो, बाहर देखो कोई लोग खड़े गली में, कोई खिड़की में, कोई कहीं नहीं। जान कोई भी नहीं है, क्यों आएगा यहाँ कोई? मेरा तमाशा देखने के लिए। गली में सारी जिंदगी सर उठा के चलाऊं, आज उस गली में सर झुका के घर आया हूं। कोई इज्जत नहीं बची मेरी, लोग मुझे पहले सर झुका के सलाम करते थे, कोई इज्जत नहीं है मेरी। कैसी बातें कर रहे हैं आप? उस्ताद हैं, सारा मोहल्ला आपकी इज्जत करता है। नहीं करता था, आप क्यों करेगा? उनकी नजर में तो मैंने गबन किया है ना, लाखों रुपए का गबन किया है मैंने। मैं चोर हूँ, चोर हूँ मैं। नहीं अकरम कैसी बातें कर रहे, क्या हो गया आपको? अच्छा यहाँ आके बैठे। तुम्हें पता है मेरा मेरा सबसे बड़ा कसूर क्या है? मेरा सबसे बड़ा कसूर यह है कि मैं मिडिल क्लास का एक बहुत छोटा सा मामूली सा आदमी हूँ। मेरा कसूर यह है कि मैं बेटियों का बाप हूँ। मेरा कसूर यह है कि मैं उस्ताद हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ। सबसे बड़ा कसूर मैं हूँ जिसने बेटियां पैदा की है। जिसका दिल चाहेगा जब चाहेगा मेरी बेटियों को उठा के ले जाएगा, जब दिल चाहेगा मुझे जेल में डलवा देगा, जब दिल चाहेगा मुझे पिटवाएगा। मुझे तुम लोग भी मुझे मारो, मुझे मारो, मुझे मुझे बर्फ के सिल पे लिटाओ, मेरी हड्डियां तोड़ो, मुझे गाली तो आती है ना, जो भी मुझे गालियां दो, मुझे गालियां दो, मुझे मारो, मुझे मारो, मुझे मारते क्यों नहीं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
खैरियत तो है आप सब लोग यहाँ? कैसी है तबीयत प्रोफेसर साहब की? बेहतर है, इंजेक्शन लगा दिया, आराम कर रहे हैं। देखिए डॉक्टर साहब, मैं घुमा फिर आके बात नहीं करता। ये शरीफों का मामला है, आए दिन गुंडे मवाली इस गली के चक्कर लगाते हैं, कभी बंदूकें चलती हैं तो कभी पुलिस आ रही है। देखें, हम भी शरीफ लोग हैं, बहू बेटियों वाले हैं, और ये सब यहाँ नहीं चलेगा। समझा नहीं, क्या नहीं चलेगा? ये आप अच्छी तरह जानते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। बहरहाल जो चल रहा है इस सिलसिले को बंद करवाइए और प्रोफेसर साहब से कहिए कि ये मोहल्ला छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो जाए। बस चलो भाई। मैंने बात की थी मगर मगर क्या? वो किसी और लड़की को पसंद करता। किसी लड़की को पसंद करता? किस लड़की को? किसी मामूली टीचर की बेटी है। मामूली टीचर? जी बाबा साहब, शमशेर के साथ किसी वीडियो में आई थी वही लड़की है। कैसा वीडियो? नहीं ऐसे कोई बात नहीं, वो खैर मैं बात करके ना समझा दूंगी, बच्चा है। मम्मी आप भले कोशिश कर लें, टू बी परफेक्टली ऑनेस्ट आसार अच्छे नहीं लगते। हमने कितना सुना है ना कि मामूली सड़क छाप लड़कियां जो हैं किस तरह रईस आदों को फंसाती हैं। नो क्लास, नो फैमिली, लोअर क्लास, सड़क छाप लड़की, इस घर की बहू नहीं बन सकती। ये कोई उसका मामूल पे शौक नहीं है, हमारे खून और नस्ल की बात है। ये बात अच्छी तरह से समझा दे वरना फिर मुझे समझाना पड़ेगा। नहीं तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, कल मेरा बंदा आएगा तुम्हारी तरफ पैसे पहुंचा देगा। हाँ कोई और काम होगा तो बता दूंगा। बेटा ये फरवा से तुमने क्या कहा है? क्या कहा है? यही कि तुम किसी लड़की को पसंद करते हो और उससे शादी करना चाहते हो। हाँ मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, सही कह रही हूँ। ऐसा हो नहीं सकता बेटा। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो हमारे क्लास की नहीं है और तुम अपने बाबा साहब को जानते हो, वो हर चीज की इजाजत दे देंगे लेकिन अपनी नस्ल को खराब करने की इजाजत कभी नहीं देंगे। बेहतर होगा कि तुम उसका ख्याल अपने दिल से निकालो। ख्याल नहीं है वो मेरा, मोहब्बत है मेरी, शादी उसी से करूंगा। वो तुम्हारे बाबा साहब हैं और उनकी मर्जी के बगैर ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने आपसे कहा कि मैं महक से ही शादी करूं, ये मेरा आखिरी फैसला है। अगर किसी को भी एतराज है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। I just can't believe this. उस दो कौड़ी की लड़की ने शमशेर का दिमाग इतना खराब कर दिया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी पसंद इतनी घटिया होगी। मैंने तुमसे कहा है ना, तुम परेशान मत हो,
बाबा साहब खुद ही उसके दिमाग की सारी हवा निकाल देंगे। आप शमशेर की बात कर रही हैं। आप जानती हैं कि वो पहले ही कितना सर फिरा है। अगर वो लड़की उसकी जिद बन गई तो वो उसे हर हाल में हासिल करके रहेगा। और तुम बाबा साहब को नहीं जानती हो। अगर वो अपनी जिद पर आ गए ना तो उसके जैसे 10 की सांसें उखेड़ देंगे। उनके सामने उसकी कुछ नहीं चलेगी। आई डोंट केयर। शमशेर की शादी किसी और से नहीं होनी चाहिए, दैट्स इट। मैंने कहा है ना तुमसे कि फिक्र मत करो। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, थोड़ा सा ड्रामा होगा, चीजें टूटेंगी, लेकिन आखिर में होगा वही जो बाबा साहब चाहते हैं। I just hope कि ऐसा ही। क्या जवाब दिया इसमें? समझा दिया इसे मैंने। मेरा जवाब भी बाबा साहब को बता दें आप। क्या जवाब दिया इसे? बता दिया, समझ जाएगा। सीधा सीधा क्यों नहीं बता रही हो कि क्या जवाब दिया है इसमें? कह रहा है उसी लड़की से शादी कर। कान खोल के सुन लो, ये कोई यतीम खाना नहीं है, नवाबों का घर है ये। 7 पुश्तों से हमारे खून में कोई मिलावट नहीं हुई है, और इस चीज की तुम्हें बिल्कुल इजाजत नहीं मिलेगी कि तुम हमारे खून में गंदे खून की मिलावट करो। तुम्हारी शादी वही होगी जहां हम सब चाहेंगे। शादी तो मेरी महक से ही होगी। देखता हूं मुझे कौन। बाबा साहब मुझे एक मौका दीजिए, मैं बात करता हूं उससे, समझाने की कोशिश करता हूं। आपकी चाय। अकरम, मैं सोच रही थी अब तो 2 दिन हो गए इस बात को, वो लड़का ना यहाँ आया है ना उसने महक से कोई रब्ता किया है, तो अब आप हिम्मत करें ना। अच्छा मुझे बताएं, आज यूनिवर्सिटी जाएंगे आप? नहीं, मैंने एप्लीकेशन भिजवा दी है यूनिवर्सिटी छुट्टी के, कुछ दिन तक मैं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा, चंद दिन घर में रहना चाहता हूं। अच्छा, तो चंद दिन के बाद क्या करेंगे? चंद दिन के बाद देखेंगे। समझ नहीं आता नाहिद, यूनिवर्सिटी में लोग मुझसे सवाल करेंगे या मोहल्ले में लोग मुझसे पूछेंगे, मेरी शक्ल देखेंगे तो उनके चेहरों पे जो सवाल आएंगे उसका जवाब कैसे दूंगा? क्यों आई थी पुलिस? क्यों बदहाल मुझे घर छोड़ के गई थी? क्यों वो लड़का यहाँ आता है? मैं क्या बोलूंगा लोगों? मेरे पास एक हल है, अगर आप इजाजत दें तो मैं कहूँ आपसे।
मुझे पता है आपने हमारी बेटियों के लिए बहुत कुछ सोच रखा है और महक को तो आप बहुत आला मुकाम पे देखना चाहते हैं, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं अकरम। आप उसकी शादी करवा दें। शादी? मंगनी तो हुई भी है और रेहान को तो कोई एतराज नहीं होगा। रही बात अंदलीप की, तो वो ज्यादा देर रेहान के सामने इनकार नहीं कर पाएगी। आप देखे ना, उसकी शादी हो जाएगी तो एक शादीशुदा लड़की के साथ वो दोबारा तो शादी नहीं कर सकता लड़का। महक मान जाएगी इतनी जल्दी? वो आपके फैसले को कभी नहीं डालेगी अकरम। बाबा। बोलो। बाबा वो आया है, बाहर बैठा है। ऐसे कैसे आ सकता है वो? ये कैसे गुंडागर्दी है? मैं देखता हूँ जाके। तुम लोग यहीं रहना कमरे में, दरवाजा बंद कर लो, और बल्कि महक को बुलाओ, और महक को बुला के दरवाजा बंद कर लो। उस वक्त तक बाहर मत निकालना जब तक मैं ना कहूँ। ठीक है ठीक है, तुम यहीं रहो, मैं महक को लेकर आती हूँ, कमरे से बाहर मत निकलो। तबीयत कैसी है सर जी? अच्छी है। अच्छी है। कुछ दिन मैं खुद नहीं आया, मुझे लगा दो चार दिन तो लग जाते होंगे आदमी को नॉर्मल होने में। लेकिन आपकी तबीयत से मुझे लग नहीं रहा है कि आप नॉर्मल हो गए। क्या हुआ है? क्या पिटाई ज्यादा की? इस जुर्म की सजा दे रहे हैं आपने, क्या बिगाड़ा क्या हमने? आप कमाल करते हैं, आप निकी का तो जमाना ही नहीं रहा मतलब है। मुझे लगा आप खुश होंगे कि आप अपनी बेटी का हाथ एक ऐसे शख्स को देने जा रहे हैं जो चुटकी बजाते ही आपके सारे मसले हल कर देगा। वो फिल्म देखी आपने अलादीन? अलादीन के पास एक जिन होता है, आप समझे मैं वो जिन। दादी के बाद आप जो कहेंगे सारे काम आपके हल हो जाएंगे, और क्या चाहिए आपको? बस कर, बस कर, छोड़ दो मेरी बेटी का पीछा, प्लीज प्लीज। आप समझ नहीं रहे हैं सुसर जी, महक तो मेरी हो चुकी। ये निकाह, ये रुखसती, ये तो मैं आपके लिए कर रहा हूं ताकि आप बाहर लोगों को मुंह दिखाने के काबिल रहें। मुझे फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। एक हफ्ते का टाइम दे रहा हूं, रुखसती कर लीजिएगा खुशी खुशी, वरना उठा के ले जाऊंगा।